स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस यस सर। सो अभी एक नया पेज बनाने वाले हम, एग्जीक्यूटिव समरी के बाद आता है कस्टमर डिटेल्स का पेज, जिस पेज में हम कस्टमर के रिगार्डिंग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेबल विजुअल लूंगा जिसमें मुझे एनालिसिस करना है कि कस्टमर की, किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स विजुअल लिया मैंने, रोज में मैं कस्टमर नेम्स पुट कर रहा हूँ। कस्टमर नेम मतलब जो फुल नेम का कॉलम हमने बनाया था वो रोज में पुट कर रहा हूँ, तो कस्टमर की लिस्ट सामने आ जाएगी। लेट्स कंपेयर विद दिस रेवेन्यू कि किस कस्टमर से कितना रेवेन्यू आया है। वैल्यूज के सेक्शन में हमने रेवेन्यू डाला, तो टोटल रेवेन्यू हमारा 43.28 मिलियन है जो ऑल कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस कस्टमर ने कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करके दिया। ठीक है, अगेन आप ऑर्डर क्वांटिटी भी यहाँ पे डाल सकते हो, या मैं प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि कौन से कस्टमर में मेरे को कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। सो वैल्यूज के सेक्शन में मैं टोटल रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी पुट कर रहा हूँ। ओके, और क्या डाल सकते हैं, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी अगर मैंने पुट किया है यहाँ पे, इंडिविजुअल कस्टमर्स के कितने ऑर्डर्स है वो ऑर्डर क्वांटिटी भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगेन आप इसका जो फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पुट करना रहेगा रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर या ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, तो आप इस ड्रॉप डाउन के मेनू से वो डाल सकते हो। ठीक है, सिंपल विजुअल है, विजुअल का नाम है मैट्रिक्स। फॉर्मेटिंग जैसे मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर का वैल्यूज चेंज करना है, वैल्यूज तो उसका फॉन्ट बनाना है। सो कहाँ पे मिलेगा मुझे ये, वैल्यूज के सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ, जैसे 11 कर रहा हूँ, तो वैल्यूज का फॉन्ट बढ़ेगा, लेकिन ये हेडर की जो नाम है इनका फॉन्ट नहीं बढ़ा, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा वैल्यूज के अंदर, वो मिलेगा कॉलम हेडर्स के अंदर। जैसे मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, और सेटिंग है इसमें जैसे मुझे ग्रैंड टोटल सब टोटल्स को भी हाईलाइट करना है तो वो कर सकता हूँ। किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर अगर मुझे ऑपरेशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल रेवेन्यू का कॉलम है, करेक्ट, तो ये टोटल रेवेन्यू के कॉलम को मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, या स्पेसिफिक उसको लेट से ये अभी सारे लेफ्ट या राइट अलाइन है, राइट कॉलम्स के राइट साइड में ये अलाइन है, मुझे इसको सेंटर में लेना है, बस इसी रेवेन्यू के कॉलम को ही मुझे सेंटर में लेना है, प्रॉफिट एंड ऑर्डर क्वांटिटी को नहीं लेना है। तो उस टाइम पे ये स्पेसिफिक कॉलम को आप यूज कर सकते हो, जैसे स्पेसिफिक कॉलम को मैंने एक्सपांड किया, यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए आपको, लेट्स से मुझे टोटल रेवेन्यू का चाहिए, तो रेवेन्यू को यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो सेटिंग आप करोगे वो सेटिंग किसके लिए अप्लाई होनी चाहिए, हेडर्स के लिए अप्लाई होनी चाहिए, सब टोटल्स के लिए होनी चाहिए, टोटल्स के लिए होनी चाहिए, या इसके अंदर जो वैल्यूज है, हेडर्स मतलब दिस टोटल रेवेन्यू नेम, ये जो अंदर की वैल्यूज रहेंगी ये दोज आर नथिंग बट वैल्यूज एंड ये रहेगी अपनी टोटल, तो आपकी जो सेटिंग है वो सेटिंग किसके लिए अप्लाई होनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने सबके लिए ऑफ रखा है, बस वैल्यूज के लिए ऑन रखा है, एंड नाउ जस्ट आई विल डू अलाइनमेंट एज ए सेंटर, तो बस इसी कॉलम के लिए आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, या जैसे मुझे अभी ऑर्डर क्वान्टिटी के लिए भी करना है, सो यहाँ पे मैं ऑर्डर क्वान्टिटी सेलेक्ट करूँगा, अगेन आई एम ऑफ फॉर सब टोटल एंड ऑन फॉर दिस अलाइनमेंट में मैं सेंटर में ले लूँगा उसको। ठीक है, समझ में आया, जैसे मैं रेवेन्यू का जो अलाइनमेंट है उसको वापस से राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम जो भी रेवेन्यू या सेल्स या नंबर्स की जो वैल्यू रहते हैं वो राइट से ही शुरू करते हैं, मतलब राइट अलाइन होती है, ताकि जो डेसिमल प्लेसेस है डेसिमल प्लेसेस एक साथ एक जगह पे दिखे हमें। दिस पर्टिकुलर विजुअल के लिए मुझे
लेआउट एंड प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, जैसे ये डिफॉल्ट लेआउट है, अगर मैं इसको लेआउट मिनिमल कर देता हूँ तो थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे आपको लेआउट्स के अंदर। बोल्ड हेडर करूँगा तो हेडर्स हाईलाइटेड हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग सेटिंग्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ थोड़ा प्ले आउट कर सकते हो कि क्या आपके लिए सही रहेगा आपके विजुअल के लिए। अभी के लिए मैं मिनिमल ही रख रहा हूँ। ग्रिड जो होती है, ग्रिड मतलब ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनके कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे विड्थ 1 है तो अगर मैं 2 दे दूँ तो थोड़े से डार्क हो जाएंगे ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड, वर्टिकल ग्रिड। अभी हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑन है इसीलिए मुझे ये लाइंस दिख रही है, वर्टिकल ग्रिड्स ऑफ है। मैंने इसको अगर ऑन कर दिया तो देखो वर्टिकल लाइंस भी दिखेंगी स्मॉल पोर्शन में, क्योंकि उसका जो कलर है वो कलर एक ग्रे एकदम से है। और विड्थ में अगर 2 कर दो तो थोड़ा सा दिखेगा आपको कि पार्टीशन के हिसाब से टेबल फॉर्मेट में। ओके, लेआउट अगर मैं टेबुलर कर दूँ इसका तो थोड़ा टेबल फॉर्मेट जैसा ये मुझे दिखने लगेगा। दिस इज द न्यू अपडेट इन मैट्रिक्स विजुअल। पहले ये ऑप्शंस नहीं आते थे, कॉम्पैक्ट, आउटलाइन और टेबुलर। कॉम्पैक्ट ही था पहले, आउटलाइन एंड टेबुलर ऑप्शन नहीं था, अब ये नया ऐड हुआ है यहाँ। ठीक है, लेट्स से दिस पर्टिकुलर विजुअल्स वी क्रिएटेड एंड आई विल जस्ट अरेंज दिस हियर थोड़ा सा ऐसे करके। अगेन जनरल में जाके मैं इसको हेडिंग वगैरह देना रहेगा तो हेडिंग दे सकता हूँ, टाइटल्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर जाके मैं इसके इफेक्ट्स ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स विजुअल के बाद लेट्स से वन मोर विजुअल्स वी कैन क्रिएट, कि मुझे अभी ये जो कॉम्बो चार्ट्स है, कॉम्बो चार्ट्स को यहाँ पे यूज़ करना है। एनालिसिस क्या करना है मुझे, एनालिसिस करना है कि कस्टमर का जो मेरा किसी कस्टमर ने मेरे को कितना प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू जनरेट करके दिया, कितना उसका कॉस्ट है, एंड कॉस्ट के साथ मुझे उसका प्रॉफिट भी देखना है कस्टमर वाइज। सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉम्बो चार्ट। से मैंने कॉम्बो चार्ट्स को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, दिस वन चार्ट्स में मैंने पुट किया। कस्टमर नेम को, फुल नेम, हमारा जो नाम है कॉलम का फुल नेम, एक्स एक्सिस में मैंने फुल नेम रखा है, वाई एक्सिस में मैं डाल रहा हूँ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड जैसे अभी के लिए अपन यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं ये क्लस्टर बार चार्ट जो है वो बार चार्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल कस्टमर्स मैं बस उतने ही कस्टमर शो कर रहा हूँ, या टॉप 10 कस्टमर मैं बस शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जिनसे मुझे टोटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मिला हुआ है, ऐसे टॉप 10 कस्टमर्स में मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे शो अपन, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है क्लस्टर बार चार्ट, एंड उसमें मुझे अगर सिर्फ टॉप 10 सेलेक्ट करना है तो विजुअल को मैं सेलेक्ट करूँगा। अगेन आई विल गो टू दिस फिल्टर पे, यहाँ पे हमें कस्टमर की जो फुल नेम है उसको टॉप 10 चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा, इंस्टेड ऑफ बेसिक फिल्टरिंग आई कैन यूज टॉप 10 या टॉप 10। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा 10 मुझे चाहिए, ऑन विच वैल्यू, टोटल रेवेन्यू की बेसिस चाहिए मुझे। अप्लाई फिल्टर, तो यहाँ पे बस 10 कस्टमर ऐसे दिखेंगे जिनसे हमें टॉप की रेवेन्यू मिली हुई है। आप टॉप 5 भी दिखा सकते हो, टॉप 3 दिखा सकते हो, वट एवर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसका अगर मैं डेटा लेबल्स ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं फिलहाल ये जो बार्स दिख रहे हैं मुझे, ये बार्स जब होवर कर रहा हूँ तभी मैं मुझे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जैसे टोटल रेवेन्यू इसका मिस्टर फ्रैंकलिन सू का 26829 है। लेकिन मैं इसका अगर डेटा लेबल ऑल कर दूँ विजुअल्स के, तो वो मुझे डायरेक्टली विजुअल्स के ऊपर शो करेगा, जैसे 27K शो करेगा। अगेन ये जो फॉर्मेटिंग है 27K, अगर मुझे फुल वैल्यू देखनी है यहाँ पे, तो डेटा बार, डेटा लेबल्स में जाके मैं जो ये वैल्यूज का सेक्शन है, वैल्यूज में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिस्प्ले यूनिट जो है ये मैं नन कर सकता हूँ ताकि मुझे पूरी वैल्यू दिखे 26829। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन सभी आपको देखने पड़ेंगे।
ठीक है, अभी जैसे मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने टोटल रेवेन्यू डाला था, वाई एक्सिस पे कुल नेम डाला था। अभी जैसे मुझे पता है कि दिस पर्टिकुलर चार्ट कस्टमर वाइज मुझे डिटेल दिखा रहा है विथ रेवेन्यू, क्योंकि हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बाय फुल नेम और कस्टमर नेम। तो फुल नेम एंड टोटल रेवेन्यू, ये जो ग्राफ्स के नाम है वो देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उनको अगर मुझे हाइड करना रहेगा तो अगेन आई गो टू द वाई एक्सिस, मैं वैल्यूज इसकी जो है मुझे इसका टाइटल बंद करना है, ये टाइटल मुझे बंद करना है। सो मैं टाइटल को बंद कर दूंगा तो टाइटल निकल जाएगा। वैल्यूज को अगर मैंने बंद कर दिया तो ये वैल्यूज भी दिखाना बंद कर देगा। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस में कस्टमर के नाम दिख रहे हैं, तो मैंने वैल्यूज को अगर बंद कर दिया तो वैल्यूज चली जाएंगी। सो वैल्यूज को रखना है मुझे, वैल्यूज को मैंने ऑन कर दिया। सेम फॉर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऑल्सो, मैं एक्स एक्सिस का टाइटल जो है वो अटल ऑफ कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा मैं यहाँ पे जो मेरे विजुअल्स है उसमें थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो विजुअल हमने दिया उसको अंडरस्टैंडिंग है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? हमने टोटल रेवेन्यू बाय फुल नेम दिया है, फुल नेम कुछ डिनोट नहीं करता, फुल नेम तो मैं उस फुल नेम को रिप्लेस कर रहा हूँ कस्टमर नेम से। वो कहाँ पे मिलेगा मुझे? उस विजुअल के टाइटल में। इंस्टेड ऑफ फुल नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कस्टमर नेम। ठीक है, ये दो विजुअल में किसी को कुछ डाउट है? ये दो विजुअल में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अगेन मुझे इस पर्टिकुलर पेज के लिए कुछ स्लाइसर चाहिए। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव समरी में हमने ईयर, कंट्री, मंथ नेम के जो स्लाइसर्स लिए थे, मुझे ये तीन स्लाइसर्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इस वाले पेज के ऊपर, इस पेज को मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, पेज वन, और ये एग्जीक्यूटिव समरी का पेज है। अभी नाउ रिक्वायरमेंट ऐसी है, लेट्स से ये ईयर का स्लाइसर, लेट मी क्रिएट ओवर अ स्लाइसर ओवर हियर, देन वी टॉक अबाउट दिस। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर क्रिएट किया ईयर का, स्लाइसर अपना ये वाला है, और मैंने ईयर का जो कॉलम है, सेम कॉलम जो मैंने फर्स्ट पेज में स्लाइसर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था, सेम कॉलम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अगेन स्लाइसर्स क्रिएट करने के लिए। सो कैलेंडर के अंदर से मैंने ईयर को ड्रैग किया यहाँ पे डाला। इंस्टेड ऑफ बिटवीन मुझे चाहिए स्लाइसर सेटिंग में जाके मैं इसको ले रहा हूँ ड्रॉप डाउन। अभी मेरे पास इस पेज में भी स्लाइसर है, पेज वन में भी मेरे पास स्लाइसर है, एंड एग्जीक्यूटिव समरी के पेज में भी मेरे पास स्लाइसर है। अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है, अभी जब मैं यहाँ पे 2016 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो पूरा पेज है ये पेज 2016 के लिए फिल्टर आउट हो रहा है, लेकिन दूसरा जो मेरा पेज है, जैसे इस पेज को नाम देते हैं अपन कस्टमर डिटेल्स, फर्स्ट डिटेल्स, तो ये दूसरा जो पेज है यहाँ पे जो स्लाइसर है ये भी इंडिपेंडेंट है, राइट। यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है, जो सिलेक्शन आपने यहाँ पे किया है 16 का सिलेक्शन फर्स्ट पेज पे, वो सिलेक्शन यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, ये पेज इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर सकते हो तो ये 15 के हिसाब से दिखाएगा, या 17 सेलेक्ट कर सकते हो 17 के हिसाब से दिखाएगा। अभी जैसे मैंने इस पेज पे 17 का फिल्टर डाला है और एग्जीक्यूटिव समरी के पेज में 16 का फिल्टर है, तो रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी है कि जब अगर मैं किसी भी पेज के ऊपर, जैसे मैं कस्टमर डिटेल के पेज पे हूँ या एग्जीक्यूटिव समरी पेज पे हूँ, अगर मैंने ईयर के अंदर एक फिल्टर डाला है या मैंने फिल्ट्रेशन पेन में मैंने कुछ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया डाला है, एंड मुझे वो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यहाँ पे चाहिए कस्टमर डिटेल के पेज में, जैसे आप एग्जीक्यूटिव समरी के पेज में हो और यहाँ पे आपने डाला हुआ है 2016, कंट्री का नाम डाला आपने कनाडा, और मंथ नेम डाला लेट से अपन ने अप्रैल, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या एनालाइज कर रहे हो कि 2016 में कनाडा कंट्री के लिए अप्रैल मंथ के लिए क्या एग्जीक्यूटिव समरी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अभी आपको सेम फिल्टर के लिए कस्टमर डिटेल्स के लिए भी देखना है, तो वापस से आपको वो जो सिलेक्शन था वहाँ का वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा अगर आपके पास वो तीन फिल्टर यहाँ पे है। लेकिन अगर
हम ऐसे करें कि हम कोई भी स्लाइसेस में सेलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे पेजेस में पास हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करें, जैसे मैं अभी एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे हूँ, यहाँ पे मैंने ईएस का जो स्लाइसर है जो मेरा कस्टमर डिटेल के पेज पे भी है, क्योंकि ये दोनों स्लाइसर्स एक ही कॉलम से बने हुए हैं, एक कॉलम का रेफरेंस लिया हुआ है कैलेंडर का ईयर। हमारे पास यहाँ पे जैसे व्यू वी हैव दिस ऑप्शन सिंक स्लाइसर्स, इस सिंक स्लाइसर को मैं ओपन करता हूँ, क्लिक किया मैंने। जैसे मैंने सिंक स्लाइसर को कनेक्ट क्लिक किया, मेरा जो स्लाइसर है वो सिलेक्टेड है अभी ईयर का। तो ये ईयर का स्लाइसर्स मेरे पेजेस में जितने भी मेरे पेजेस रहेंगे वो पेजेस के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, और वो स्लाइसर्स यहाँ पे कौन से पेज पे है वो यहाँ पे मुझे डिनोट करेगा। जैसे कस्टमर डिटेल के पेज पे एक स्लाइसर दिखा रहा है मुझे, एंड पेज फोर पे भी एक स्लाइसर दिखा रहा है। कौन सा स्लाइसर? ईयर का स्लाइसर। जैसे कस्टमर डिटेल के पेज पे जाता है तो यहाँ पे देखो ये ईयर का स्लाइसर है, पेज फोर पे भी अपना एक ईयर का स्लाइसर यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समरी पे जब मैं हूँ, मैंने ईयर का स्लाइसर को सेलेक्ट किया, तो वो पर्टिकुलर स्लाइसर्स आपके रिपोर्ट में कौन से पेज में कहाँ पे है वो आपको ये सिंक स्लाइसर का जो ऑप्शन है, ये पेन है, वो शो करेगा। ये आई जैसे जो सिंबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्लाइसर्स आपको दिख रहा है, नेकेड आई से आपको दिख रहा है वो स्लाइसर, हाइड नहीं है, इसलिए ओपन आई का जो सिंबल है यहाँ पे टिक मार्क है, ठीक है। अगर मैंने इस टिक मार्क को पेज फोर का जो स्लाइसर है उसको अनचेक कर दिया और मैं पेज फोर पे अगर देखने गया तो यहाँ पे देखो ईयर का स्लाइसर गायब हो गया, यहाँ पे नहीं निकल गई खराबी, वो क्योंकि आपने उसको हाइड कर दिया है सिंक स्लाइसर से। अगेन आई सेलेक्ट हाई, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ पेज फोर के ऊपर का, उसके साइड में ये जो रिफ्रेश जैसा या सिंक करने जैसा एक सिंबल है, इसका क्या मतलब है, जैसे ये स्लाइसर जो है ये एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे चेक मार्क है एंड कस्टमर डिटेल के पेज पे भी है, लेकिन अगर इन दोनों को मैंने चेक मार्क कर दिया तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से सिंक हो गए। मतलब अभी लेट से यहाँ पे 2016 मैंने सेलेक्ट किया था और कस्टमर डिटेल में मेरा 17 सिलेक्शन था, अगर मैं कस्टमर डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे भी देखो 16 सिलेक्शन आया है। अगर मैंने इसको 17 किया एंड इफ आई गो अगेन इन एग्जीक्यूटिव समरी तो यहाँ पे भी देखो 17 सिलेक्शन आया। तो ये क्या हुआ, स्लाइसर्स सिंक हुए एक दूसरे के अंदर। अंडरस्टैंड हुआ सिंक स्लाइसर्स कैसे कंट्रोल करते हैं स्लाइसर्स का सिंकिंग। इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन यही होता है कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल पेजेस बने हुए रिपोर्ट्स के अंदर एंड फर्स्ट पेज पे मेरा एक स्लाइसर है, तो मुझे चाहिए कि जो मैं सिलेक्शन यहाँ पे करूँ इस स्लाइसर्स के अंदर वो सिलेक्शन इन सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली पास हो। उस टाइम पे आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, यूजिंग सिंक स्लाइसर इट इज पॉसिबल। So what we can do is we can create same slicers in all pages and we will sync all them together. उनका syncing on कर देंगे sync slicer की help से। तो आप अगर किसी भी page के ऊपर कोई भी selection करते हो slicers के अंदर तो वो सारे pages में pass हो जाएगा जहाँ जहाँ पे वो slicers है, ठीक है। Clear है, समझ में आया sync slicers important concept। Hello? ये समझ में आया सिंक स्लाइसर? यस सर। यस। सो हर टाइम सिंक स्लाइसर्स को ऑपरेट करने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से आई मीन कस्टमर डिटेल पे यहाँ पे जो स्लाइसर्स मैंने लिया मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे तीन स्लाइसर्स चाहिए थे लेट्स से इयर्स कंट्री और मंथ नेम जो मैंने फर्स्ट पेज में बना हुए थे, तो मैं तीनों को सेलेक्ट कर लूंगा, उनको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूंगा एंड कस्टमर डिटेल के पेज पे चाहिए तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी करके। जब मैं पेस्ट करूंगा देखो ये सिंक विजुअल्स का एक मेरे पास पॉपअप आ जाएगा कि जो स्लाइसर्स आपने यहाँ पे पेस्ट किए हैं यहाँ पे क्रिएट किए उनको आपको सिंक करना है क्या जहाँ से आपने उन्होंने लाया है। यहाँ पे मैंने सिंक कर दिया तो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर फ्रांस का सिलेक्शन किया कंट्री का, अगर एग्जीक्यूटिव समरी में जाके देखा तो वहाँ पे भी कंट्री फ्रांस ही रहेगा। अगर मैंने इसे मंथ नेम यहाँ पे चेंज किया जनवरी लिख दिया और कस्टमर डिटेल में जाके चेक किया तो यहाँ पे भी मंथ नेम जनवरी ही रहेगा, ठीक है। तो जब आप एक जगह पे वो ऑलरेडी फिल्टर्स आपने बनाए तो आप कॉपी कर लो नेक्स्ट पेज पे लेके जाओ एंड जो पॉपअप आएगा सिंक स्लाइसर्स का उसको सिंक कर लो, ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे स्लाइसर्स आपको। अगर नहीं सिंक चाहिए आपको, सिंक है निकालना है तो सिंक स्लाइसर को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है।
समझ में आया ये? एक स्लाइसर से दूसरे स्लाइसर कनेक्ट करते हैं। हाँ कनेक्ट नहीं बोल सकते आप, सिंक बोल सकते हो, सिंक इज द प्रॉपर वर्ड। आप एक स्लाइसर को दूसरे स्लाइसर के साथ सिंक कर रहे हो, उसका बिहेवियर सिंक कर रहे हो। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों स्लाइसर जो है वो सेम कॉलम से बने हो। यहाँ पे जैसे ये वाला जो अपना ईयर का जो कॉलम है, ईयर का जो स्लाइसर है, इसमें कैलेंडर का ईयर यूज किया हुआ है। एंड एग्जीक्यूटिव समरी का जो स्लाइसर है ईयर का, उसमें भी सेम कॉलम यूज किया है, तभी वो एक दूसरे से सिंक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ईयर्स यहाँ पे कैलेंडर के ईयर से बनाया है और दूसरा जो ईयर का स्लाइसर है लेट्स से आपने किसी और टेबल से बनाया, देन वो सिंक नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। दोनों स्लाइसर्स के जो कॉलम आपने यूज किया हुआ है उसको बनाने के लिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर स्लाइसर का सिलेक्शन आपको निकालना है तो मैं ये क्लियर सिलेक्शन कर रहा हूं तो सारा सिलेक्शन निकल जाएगा इसका। ठीक है, सो कस्टमर डिटेल में हमने सिंक स्लाइसर्स का कंसेप्ट अभी देखा। लेट्स मूव फर्दर। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर कुछ कार्ड बनाए थे, वैसे कार्ड मुझे यहाँ पे देखने हैं। अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे टॉप कस्टमर देखना है जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, ऐसा कस्टमर मुझे देखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें मुझे वो रेवेन्यू भी दिखा रहा है, प्रॉफिट भी दिखा रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी भी दिखा रहा है। अगर मैंने प्रॉफिट को डिसेंडिंग कर दिया, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे क्या देखा, मिस्टर फ्रैंकलिन सू जो नाम का बंदा है उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो विदाउट एनी सिलेक्शन जो मैं कार्ड लूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू दिखनी चाहिए, मिस्टर फ्रैंकलिन सू जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। उसको कैसे बना सकते हैं अपन, कैसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? कार्ड विजुअल मैंने लिया है, कार्ड विजुअल और सिंगल वैल्यू शो करता है। क्या शो करना है हमें? कस्टमर का नाम शो करना है। तो मैं फुल नेम में जाऊंगा, जो कस्टमर का फुल नेम है उसको ड्रैग करूंगा फील्ड्स के ऊपर, तो एबी राणा दिखाएगा। एबी राणा क्या है? अल्फाबेटिकली जो फुल नेम्स है उसका फर्स्ट है। जैसे मैं इस फुल नेम को मैंने असेंडिंग किया तो देखो फर्स्ट एबी राणा आ रहा है, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट है, यही मुझे वो फर्स्ट वैल्यू दे रहा है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये नाम कौन सा दिखे प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अगेन आई विल गो टू द फिल्टर पेन, यहाँ पे मैं इस फुल नेम को वापस विजुअल लेवल फिल्टर पे अप्लाई करूंगा। बेसिक फिल्टरिंग से मैं टॉप एंड्स को सेलेक्ट करूंगा, टॉप वन किस बेसिस पे चाहिए मुझे, प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए, करेक्ट। सो मैं प्रॉफिट को यहाँ पे सर्च करूंगा, जो हमारा मेजर है उसको ड्रैग करके बाय वैल्यू के सेक्शन में पुट कर दूंगा और सिंपली अप्लाई। उसी ये मिस्टर फ्रैंकलिन सू को यहाँ पे वो आपको दिखाएगा। कैटेगरी लेबल मैंने बंद कर दिया, इन जनरल सेक्शन टाइटल्स को मैंने ऑन करके टाइटल्स दे दिया इसका, टॉप कस्टमर बाय प्रॉफिट। इसको लेट से मैंने अलाइन कर दिया सेंटर में। विजुअल्स में ये जो कॉल आउट वैल्यू है, जो नाम है, इसका फॉन्ट मुझे कंट्रोल करना है, सो लेट से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 25, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, नाउ हमने टॉप कस्टमर तो देख लिया, अभी मुझे इस कस्टमर का रेवेन्यू देखना है एंड ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे दिखानी है। टॉप प्रॉफिट वाला कस्टमर हमने देख लिया, उस कस्टमर का रेवेन्यू कितना है एंड ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है ये मुझे यहाँ पे दिखाना है ऐसे ही कार्ड में। तो कैसे कैसे शो कर सकते हैं इसको हम, अलग अलग कार्ड में शो करना है। जैसे हमने ये शो किया ना, टॉप कस्टमर बाय प्रॉफिट मिस्टर फ्रैंकलिन सू, अभी उस कस्टमर के लिए मुझे उसका ये रेवेन्यू की वैल्यू दिखानी है। जैसे मैं प्रॉफिट के बेसिस पे इसको अगेन सॉर्ट करता हूँ तो 1137 इसका प्रॉफिट है, तो हमें पता चला कि दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट कस्टमर। उसका रेवेन्यू कितना है 26829, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी 56, वो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो करनी है। कैसे कर सकते हैं शो,
सेम वे जैसे इस वाला को हमने शो किया, इसमें हमने फर्स्ट फुल नेम का दिखाया ना, तो इंस्टेड ऑफ फुल नेम मैं रेवेन्यू को शो करूंगा यहाँ पे। सो मैं इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। फिल्टर्स तो मेरा यही रहेगा फुल नेम के बेसिस पे, टॉप वन कस्टमर और प्रॉफिट। ठीक है, बस इंस्टेड ऑफ दिस फील्ड फुल नेम मैं प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 11.37 के। ये जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए राइट, हमें रेवेन्यू चाहिए राइट, टोटल रेवेन्यू। Total revenue change. So I'll just grab this total revenue over here, which shows me this 26.28. Okay. Next part show करना है हमें ये, this is the इसका name जो है name change कर देते हैं, this is not a profit. ये क्या है? Total top customer. ये top customers का revenue है. अगेन इस विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी मुझे शो करनी है ऑर्डर क्वांटिटी, तो इंस्टेड ऑफ दिस फुल नेम रेवेन्यू टोटल ऑर्डर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 56। ठीक है, इसका जो नाम है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट we can put this is order quantity, top customers order quantity. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट है इसमें? सर हाँ, स्लाइसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जो हमने दो पेजेस में डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस यूज करके सिंक किया है ना, तो ये पॉसिबल है क्या कि हम सिर्फ एक ही पेज पे स्लाइसर यूज करें और दूसरे पेज पे ना स्लाइसर यूज करें और फिर भी सिंक्रोनाइजेशन होगा क्या? हाँ होगा ना। दूसरे एग्जांपल लेट्स से दिस एग्जीक्यूटिव समरी के तीन स्लाइसर्स यहाँ पे, आपको कस्टमर डिटेल का जो पेज है यहाँ पे ये स्लाइसर शो नहीं करने हैं सर, राइट? यस सर। तो अगेन मैं लेट्स से एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे हूँ, मैंने ये इस ईयर के स्लाइसर को सेलेक्ट किया, मैं सिंक स्लाइसर का जो ऑप्शन है उसको ऑन करूँगा। लेट्स से इन व्यू सेक्शंस आई एम हैविंग सिंक स्लाइसर्स, इसका जो विजिबिलिटी है विजिबिलिटी कस्टमर डिटेल्स के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। कस्टमर डिटेल के लिए जैसे मैंने ऑफ किया, नाउ इफ आई गो टू द कस्टमर डिटेल पेज, यहाँ पे देखो वो दिखेगा नहीं आपको, बट इफ आई चेंज ईयर स्लाइसर, लेट्स से मैंने 16 के लिए डेटा यहाँ पे फिल्टर आउट किया, तो ये कस्टमर डिटेल्स में भी 16 के लिए फिल्टर आउट होगा डेटा। ओके सर। ओके, आप ये सिंक स्लाइसर के थ्रू उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, सो मूविंग फर्दर मैं एक नया चार्ट यूज कर रहा हूँ, पाई चार्ट या इधर डोनट चार्ट। इसमें मैं शो करने वाला हूँ कि जो हमारी कैटेगरीज है उस कैटेगरीज के बेसिस पे ऑर्डर क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट? सो लेट्स से मैंने कैटेगरी नेम यहाँ पे लिया लेजेंड्स के अंदर, एंड तो इतनी कैटेगरीज मेरे पास है। जैसे मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को लिया है यहाँ पे वैल्यूज के अंदर,
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा मेरा कि एक्सेसरीज कितनी है, बाइक्स कितनी है एंड क्लोथिंग कितनी है, उसका परसेंटेज दिखाएगा। ये जो नाम नेमिंग है इसका, जो डेटा लेबल्स का ऑन है इसका, ये डेटा लेबल्स मतलब ये हर एक के लिए जो एरो करके शो कर रहा है ना, 5K, 6K, 10K, 5K, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे कि आपको क्या दिखाना है और कहाँ पे दिखाना है। जैसे पोजीशन आउटसाइड है तो आप इसको इनसाइड कर सकते हो, तो इनसाइड दिखाएगा। पोजीशन मैंने आउटसाइड दिखाया, जो कंटेंट वो शो कर रहा है अभी क्या शो कर रहा है, डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, बस डेटा वैल्यू देखना है या बस परसेंटेज देखना है, कैटेगरी एंड डेटा लेबल देखना है, मतलब इस कैटेगरी के नाम के साथ ये 25K देखना है या सारे देखने हैं। ऑल डेटा लेबल्स, ऑल डिटेल, तो वो एक्सेसरीज के साथ परसेंटेज के नाम वगैरह भी दिखाएगा। अच्छा, मैं अभी के लिए बस दो डेटा लेबल्स ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि दिस 5K, 25K एंड 6K। अगेन इस वैल्यूज को आपको डिस्प्ले यूनिट दिखाना है नहीं दिखाना है वो आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे देखनी है वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे ऐटो भी रख रहा हूँ 6K, 5K और 25K के फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे मुझे एक और एनालिसिस करना है, हमारे पास कस्टमर जो है, कस्टमर का जैसे कस्टमर का टेबल ओपन करते हैं, लेट मी सी द फील्ड्स ओवर हियर। हमारे पास जेंडर भी है राइट, तो जेंडर के हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से जेंडर का जो कस्टमर है उनकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, मेल जेंडर ने ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर की है या फीमेल जेंडर ने ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर की है। सो अगेन यूजिंग दिस पाई चार्ट्स वी कैन ऑल्सो डू एनालिसिस लाइक दिस। सो सिंपली आई जस्ट कॉपी दिस पाई चार्ट एंड इंस्टेड ऑफ दिस कैटेगरी नेम आई विल पुट जेंडर ओवर हियर। सो ये एक मुझे पोर्शन दिखाएगा मेल फीमेल एंड एन ए का, एन ए मतलब उसका डेटा में कुछ एंट्री नहीं है तो एन ए वहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है, नहीं नल नहीं, दिस इज एन ए वर्ड है प्रॉपरली, नल नहीं है ये। तो अगर मैं देखूँ तो एम जो है जेंडर एम उसका ऑर्डर क्वांटिटी 18231 है एंड फीमेल का 17 है, सो मेल जेंडर का ऑर्डर क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है यहाँ। ओके, एक दूसरी बात, पावर बी आई रिपोर्ट्स में जैसे यहाँ पे आप इस विजुअल पे हो और एक्सेसरीज को जो पोर्शन है इसको आपने अगर सेलेक्ट किया तो वो सिलेक्शन कंसिडर होता है एंड बाकी की जो आपके रिपोर्ट्स है ना वो रिपोर्ट्स उसके हिसाब से फिल्टर आउट होंगे डेटा, ठीक है। अभी जो ये डेटा फिल्टर आउट हो रहा है जैसे कि ये विजुअल जो है इसको मैंने जब क्लिक किया तो ये बस फेंट आउट हुआ और जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे दिख रही है। तो मुझे ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर चेंज करना है, मतलब जब भी मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करूँ, यहाँ पे जब भी मैं कुछ सिलेक्शन करूँ तो उतना ही डेटा यहाँ पे दिखे, जो फेंट आउट हो रहा है डेटा वो ना दिखे, बस जितना सिलेक्शन करूँ उसके रिलेटेड जो डेटा यहाँ पे बचता है वो डेटा डायरेक्टली दिखे। क्योंकि जब मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ, देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है राइट, एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम फेंट को देखें या ये वाली डार्क वैल्यू को देखें। तो इसको बिहेवियर कैसे चेक कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फाइल पे मैं हूँ ऑप्शंस एंड सेटिंग ऑप्शंस, ऑन दिस ऑप्शंस इन ऑप्शंस रिपोर्ट सेटिंग एंड रिपोर्ट सेटिंग में ये दिख रहा है विजुअल ऑप्शंस में चेंज डिफॉल्ट विजुअल इंटरेक्शन फ्रॉम क्रॉस हाइलाइटिंग टू क्रॉस फिल्टरिंग। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट हिट ओके। ये चेंजेस करने के बाद इफ मैंने इसको अभी सेलेक्ट किया तो देखो ये क्या हो रहा है, अभी उतना ही डेटा यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा है, जैसे पहले वो क्रॉस हाइलाइटिंग हो रहा था वो बंद हो गया, अभी जिस जैसे जैसे मैं चीज़ों को सेलेक्ट करूँ तो वैसे वैसे ग्राफ बस उतना ही डेटा शो कर रहा है जितना एक्चुअल में है। तो कंपेरेटिवली क्रॉस हाइलाइटिंग, ये क्रॉस जो फिल्टरिंग है वो प्रॉपरली
आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज हम क्रॉस हाइलाइटिंग से अच्छा क्रॉस फिल्टरिंग को ऑन रखना जरूरी समझते हैं। तो ये ऑप्शन सबको बाय डिफॉल्ट ये बंद रहेगा, फाइल सेटिंग में जा आपको आपको ये ऑन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट बिहेवियर जो क्रॉस हाइलाइटिंग का है वो क्रॉस फिल्टरिंग का आपको कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे रहेगा ऑप्शन, ये फाइल के अंदर रहेगा, ऑप्शन एंड सेटिंग। ऑप्शन एंड सेटिंग के अंदर करंट फाइल के अंदर जाओ और वहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट की सेटिंग है उस रिपोर्ट की सेटिंग में विजुअल ऑप्शन जो रहेंगे रिपोर्ट सेटिंग में, ये करंट फाइल के अंदर रिपोर्ट सेटिंग, यहाँ पे विजुअल ऑप्शन के अंदर रहेगा चेंज डिफॉल्ट विजुअल इंटरैक्शन फ्रॉम क्रॉस हाइलाइटिंग टू क्रॉस फिल्टरिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस हाइलाइटिंग एंड क्रॉस फिल्टरिंग, तो ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए आपको। क्रॉस हाइलाइटिंग मतलब क्या होगा कि जो आप सिलेक्शन करते हो यहाँ पे विजुअल के ऊपर वो सिलेक्शन कंसिडर करके बाकी के जो विजुअल्स है वो बस एग्जिस्टिंग इसमें बस उसको हाईलाइट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, लेकिन बस जो एक्चुअल पोर्शन है उसको हाईलाइट करेंगे वो। लेकिन क्रॉस फिल्टरिंग में क्या होगा, वो हाईलाइट नहीं करेंगे, जो विजुअल्स है वो डायरेक्टली फिल्टर आउट होकर आपको उतना ही वैल्यू दिखाएंगे जो है एक्चुअल में, ठीक है। समझ में आया क्रॉस फिल्टरिंग एंड क्रॉस हाईलाइटिंग डिफरेंस कैसे पता चल रहा है? जैसे हम पहले इंटरेक्शन कर रहे थे तो ये क्रॉस हाईलाइटिंग की मोड पे था, लेकिन जब हमने बंद कर दिया अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये चार्ट्स जो है वो प्रॉपरली इंटरेक्ट हो रहे हैं, दिखा रहे हैं डेटा एक्चुअल में कितना है, ऐसे कोई फेड आउट वगैरह नहीं हो रहे कलर्स। किसी को डाउट है इसमें कुछ? ये जो पाई चार्ट के स्लाइसेस है ना, ये स्लाइसेस में आता है, इसमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसकी रोटेशन ऐसे आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसे दिखानी है वैसे दिखा सकते हो, ठीक है। इन द जनरल सेक्शंस इफेक्ट, इसके इफेक्ट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, कस्टमर के डिटेल्स में और क्या कर सकते हैं एनालिसिस, लेट्स से मैं इंडिविजुअल की साइज थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि हमने जो एज का जो एक कॉलम बनाया ना, अभी मुझे लेट से ऐसे एनालिसिस करना है कि कौन से एज ग्रुप का जो मेरा कस्टमर है उसने कितनी ऑर्डर क्वांटिटी की है, मतलब कौन से एज ग्रुप के कस्टमर में सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर की है। ये कैसे पता चलेगा हमें, अगर मुझे देखना है कि कौन से एज ग्रुप के कस्टमर ने या कौन से एज के कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी की है। हमारे पास एज का कॉलम है जो हमने बनाया था एज इन ईयर्स का, तो हम कौन से विजुअल के थ्रू इसको दिखा सकते हैं? क्या लगता है आपको कौन से विजुअल के थ्रू इसको दिखा सकते हैं? ट्रिम ऐप से दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? जैसे मैंने ट्रिम ऐप लिया, इस ट्रिम ऐप में मैंने कैटेगरी के सेक्शन में डाला एज, जो अपना कॉलम है ना एज इन ईयर्स का, वो यहाँ पे पुट किया, एंड जो मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है उस ऑर्डर क्वांटिटी को डाला मैंने वैल्यूज के अंदर। यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि 56 एज ग्रुप जिस कस्टमर का है उन्होंने टोटल 1508 ऑर्डर क्वांटिटी किया है। तो इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन से
एज ग्रुप का जो कस्टमर है उसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी किए, तो 56 का जो कस्टमर है 56 एज ग्रुप उसने ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा की हुई है। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें? चीज़ें समझ में नहीं आई वापस बताओ, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया उसको वापस से देखना है, ऐसा कुछ है? मैं यहाँ पे और एक स्लाइसर बना रहा हूँ फॉर स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। किस चीज का बना सकते हैं स्लाइसर? कस्टमर पेज में लेट्स से अपन एजुकेशनल लेवल का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। जैसे मुझे देखना है कि ग्रेजुएट डिग्री वाले लोगों ने कितना ऑर्डर वगैरह किया है, कौन से कस्टमर है, तो ये यहाँ पे ऐसे डेटा फिल्टर आउट होगा उसके रिगार्डिंग। हाई स्कूल वाले कितने, पार्शियल कॉलेज कितने, पार्शियल हाई स्कूल कितने लोग हैं, तो डेटा को ऐसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्लाइसेस। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है इसमें? सब समझ में आए? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग है या चले गए? यस यस सर, वी आर हियर। ओके, तो समझ में आया ना जो हमने आज पढ़ा? यस सर, फिर से एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। सिंक स्लाइसर्स की कांसेप्ट समझे? कल के लेक्चर में हम ये जो रिपोर्ट जनरेशन है, दो रिपोर्ट्स पेज हमने कर दिए। कल हम पुल टिप तो देख लिया हमने, बुकमार्क्स एंड फील्ड पैरामीटर कल के लेक्चर में देखेंगे अपन। वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको यूज करना पड़ता है हमेशा उसको। ओके, सो लेट मी यस सर। बोलो सर, दूसरे पेज पे जो हमने बार चार्ट यूज करके जो कस्टमर टॉप 10 कस्टमर निकाले है ना, तो वही सेम हम फनल चार्ट यूज करके कर सकते हैं क्या? फनल चार्ट? हाँ सर, बेसिकली फनल चार्ट स्टेजिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है ना। मतलब जैसे एग्जांपल भी मैंने बताया आपको कि आपकी फर्स्ट स्टेज में लेट से 100 क्वांटिटी है, देन लेट से कोई एक प्रोसेस इंडस्ट्री है और उस प्रोसेस इंडस्ट्री में आप इनिशियली रॉ मटेरियल कुछ डाल रहे हो एंड प्रोसेस मटेरियल कुछ कम निकल रहा है उसमें से। लेट से आप 100 इनपुट कर रहे हो लेकिन आउटपुट में आपको बस 5 या 10 क्वांटिटी निकल रही है, तो ये जो बीच का प्रोसेस होगा वो अलग अलग स्टेजिंग से जाएगा ना, कि फर्स्ट स्टेज में उस रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी हुई, थर्ड स्टेज में कितनी हुई, फोर्थ स्टेज में कितनी हुई। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर रहेगी, वो इंफॉर्मेशन आप वैसे फनल चार्ट में शो कर सकते हो। फनल चार्ट इसलिए होता है कि जो टॉप लेवल की हायरार्की होगी उसमें आप 100% क्वांटिटी रखो और जैसे जैसे उस क्वांटिटी में कम होते चले जाएगा, अलग अलग स्टेजेस से वो पास होगा, फाइनल स्टेज तक पहुँचने तक उसकी क्वांटिटी कितनी बाकी रह गई, ऐसी इंफॉर्मेशन आप फनल चार्ट में शो कर सकते हो। ओके सर। ओके, वैसे एजिंग वाला जो है, जैसे हमने अभी
रीमैप करके शो किया, तो आप उसको कोई और विजुअल करके भी शो कर सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले विजुअल में हमने ट्री मैप यूज़ किया जिसमें हमें पता चला कि 56 वाला है, तो लेट से मैं पेज 4 पे हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेट से मैंने एक सिंपल सा कॉलम चार्ट लिया, हाँ बोलना, हो हाँ की किती संगीत चरमत्तम मी बर बर मी तू बैठली नहीं इसका पर तन्नो। हेलो तू भेटली नाहीस का त्यांना परत बर ठीक आहे मी बोलतो एकदा त्यांना मग बघू ठीक आहे ओके हॅलो आवाज आ रही ना मेरी सॉरी हाँ सर यहाँ पे मैंने एक क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया और इस कॉलम चार्ट में लेफ्ट से मैंने एक्सिस पे पुट किया एजेस को एंड वाई एक्सिस पे मैंने पुट किया ऑर्डर क्वांटिटी को, तो ये जो वाला हाईएस्ट वाला पीक है ना ये वही दे रहा है ना इन्फॉर्मेशन, क्या दे रहा है ये एज नियर 61 352। बेसिकली ये भी ये क्या हो रहा है, ये जो आपको ट्री मैप पे जो इंफॉर्मेशन दिख रही ना, एक मिनट है यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन लगा होगा, कस्टमर डिटेल्स पे क्या है 16 का फिल्ट्रेशन ना, अच्छा इसको निकाल देते देखते हैं क्या होता है। तो ये 61 के लिए मुझे दिखा रहा है कुछ 666666 दिखा रहा है राइट, और पेज 4 पे भी हाईएस्ट वाला पीक जो रहेगा सी हाईएस्ट वाला पीक है 616666। तब ऐसे भी शो कर सकते हो ऐसे मतलब, बट कंपेरेटिवली ऐसे शो करने से अच्छा मैं थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेटिव वे में शो करना चाहता हूँ, थोड़ा दिखे एक फ्रंट में डायरेक्टली कि हाँ 61 हाईएस्ट वाला जो मेरा स्क्वायर है वो सबसे बड़ा दिखेगा राइट। ऐसे वाली कंपेरेटिव के दो विजुअल को कंपेयर करूँ तो इसको जज करना थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए हमने ये डेटा यूज किया या ये पर्टिकुलर विजुअल यूज किया ट्री मैप वाला ठीक है। और कोई डाउट